दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनी पांडे और आप देख रहे हैं वेस्टर्न बैंक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। दोस्तों रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना वीडियो केवाईसी वाला अकाउंट लॉन्च किया है। पहले आप सेंट्रल बैंक में अपना ऑनलाइन खाता नहीं खोल पाते थे, बट अब ये सुविधा यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों इस अकाउंट में पूरी फैसिलिटी ऑनलाइन मिलती है। खाता खोलते ही अकाउंट नंबर FSC कोड आपको हाथों हाथ दे दिया जाता है। साथ ही आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं और पैसे वगैरह को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद। इसके अलावा 14 दिनों के अंदर आपका जो ATM कार्ड है और आपका चेकबुक है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात जो इस अकाउंट में है वो है इस अकाउंट की वीडियो KYC की फैसिलिटी। खाता खोलने के बाद आपको अपने अकाउंट का कंप्लीट KYC करवाने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अकाउंट का फुल KYC घर बैठे वीडियो KYC के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको सेंट्रल बैंक में एक ऑनलाइन खाता खोलना है। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, या फिर आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सर्च करते ही पहले रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जहां पर आपको एक पॉपअप दिखेगा। इस पॉपअप को आप कट कीजिएगा। अब अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर राइट साइड में नीचे की तरफ ओपन अकाउंट थ्रू वीडियो KYC का ऑप्शन दिखेगा। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इनका अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वह कंप्लीट खुल करके आ जाएगा। मैंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का भी लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे भी आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको वीडियो KYC के बारे में बताया गया है कि इस अकाउंट में कंप्लीट KYC आप वीडियो KYC के माध्यम से कर सकते हैं। साथ में वीडियो KYC करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और अकाउंट ओपन करने का जो भी स्टेप्स है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल नंबर आप बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं उसे आप यहां पर एंटर करेंगे और फिर आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट पेज में आपके मोबाइल नंबर पे बैंक द्वारा एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको इन बॉक्सेस में भरना है। OTP भरने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। दोस्तों अब आपके सामने अकाउंट ओपनिंग के कुल स्टेप्स खुल के आ जाएंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि इस अकाउंट को आपको कुल 5 स्टेप्स में ओपन करने हैं। पहले में बेसिक डिटेल डालना है, दूसरे में पर्सनल डिटेल, तीसरे में एड्रेस डिटेल, चौथे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है और पांचवें में आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल डालना है, तो हम बेसिक डिटेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम email ID डाल लेंगे इस वाले बॉक्स में, जो भी हमें बैंक से रजिस्टर्ड करवाना है। फिर यहाँ पर हम अपना कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर नीचे इस बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे हम टिक करेंगे और यहाँ पर नीचे हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट OTP पे क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर आधार वैलिडेटेड का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके यहां पर थोड़ा सा नीचे आना है, फिर यहां पर इस वाले बॉक्स में आपको अपना कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर भरना है। उसके बाद आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पे टिक करना है और वेरीफाई पैन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका पैन कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा यहां पर पैन वैलिडेटेड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका पहला स्टेप यहां पर अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको दूसरा स्टेप फिल करना होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका जो भी टाइटल है आप अपने हिसाब से अपने टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी टाइटल से आप बिलोंग करते हैं। टाइटल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहां पर आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से डिटेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पर इस वाले बॉक्स में आपको अपने फादर का या फिर स्पाउस नेम एंटर करना होगा। यहां पर आप अपने पिता का नाम या फिर अपने पति या फिर पत्नी का नाम आप यहां पर भर सकते हैं। फिर यहां पर आपको मदर्स मिडिल नेम भरना होगा, अगर आप एक औरत हैं आपके शादी से पहले जो भी नाम था आप यहां पर भर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना होगा, आपको बताना होगा आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहां पर आप मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, वरना अनमैरिड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आपके यहां पर आधार कार्ड से डिटेक्ट हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक डिटेक्टेड है। आपका जेंडर यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहां पर आपको जेंडर पे क्लिक करना होगा, ये भी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से डिटेक्टेड है आपका जेंडर क्या है। फिर यहां पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप कर देंगे जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस जन्म के स्थान का नाम आप यहां पर टाइप करेंगे। नेशनलिटी आपका इंडियन यहां पर ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके फिर यहां पर नीचे आना है, जहां पर आपको यहां पर बताना है कि क्या आप भारत से बाहर भी टैक्स पे करते हैं, यानी दूसरे भी कंट्री में अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके यस कर सकते हैं, वरना आप नो पे यहाँ पर रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है और आपको बताना है कि आपको कौन से कंट्री में जन्म हुआ है। यहाँ पर इंडिया डिफॉल्ट सेटिंग में रहेगा, आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ भी सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे आप नीचे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका दूसरा स्टेप भी पर्सनल डिटेल वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एड्रेस डिटेल तीसरे स्टेप में भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा जहाँ पे अभी आप फिलहाल रह रहे हैं। अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रह रहे हैं वही एड्रेस आप यहाँ पर कंप्लीट भरेंगे। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस भरने के लिए आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको तीनों में ही एड्रेस भरना मैंडेटरी है। जैसे कि आप यहाँ पर विलेज पहले में भर सकते हैं, दूसरे में आप अपना पोस्ट ऑफिस भरेंगे, तीसरे में आप अपना पुलिस स्टेशन वगैरह ऐसे करके आप एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे में चौथे ऑप्शन में यहाँ पर आपको लैंडमार्क भरना होगा। तो आपके एरिया में जो भी लैंडमार्क फेमस जगह है उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। फिर यहाँ पर आपका कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा, आपका स्टेट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके आधार कार्ड से सेलेक्टेड रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके इस पे अपने स्टेट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा तो आप सिटी पे क्लिक करेंगे। आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं आप अपना सिटी यहाँ पर सर्च करके सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, इस पे क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब जैसे ही आप सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अब आपको नीचे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके एरिया में जो भी सब डिस्ट्रिक्ट मौजूद होंगे जहां पर आप ब्लॉक वगैरह का काम करवाते होंगे उसका यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा। आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको नीचे लोकेलिटी सेलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तो आपके सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लोकेलिटी यहाँ पर आते होंगे उन सभी का ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, आपका जो भी लोकेलिटी में ब्लॉक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका पिन कोड नीचे ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस कंप्लीट भरना होगा। जैसे मैंने ऊपर आपको एड्रेस भर के दिखाया है सेम टू सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी एड्रेस भरना होगा। लेकिन अगर ऊपर आपने आधार कार्ड वाला ही एड्रेस भरा है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपने जो भी एड्रेस ऊपर डाला हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको इन सभी चीजों को फिल कर लेना है। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा जहाँ पर अब आपको चौथा स्टेप भरना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपसे आपका रिलीजन पूछा जाता है तो इस पे क्लिक करेंगे। आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कैटेगरी बोला जाता है आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशन पे नीचे आप क्लिक करेंगे। आपको बताना है कि आप कौन सा काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं या फिर आप किसी जॉब में हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है आप यहाँ से अपने आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाउसवाइफ का भी ऑप्शन मिल जाता है, रिटायर्ड का। कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको एनी अदर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और एनी अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लाइन ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है और आपको बताना है कि आप कौन से बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप कौन से बिजनेस कर रहे हैं। आपको कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप अदर को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नीचे एम्प्लॉयड विथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर अदर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर उसके नीचे आपको यहाँ पर एजुकेशन पे क्लिक करना है और आपको बताना है आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप इलिटरेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक किया है या तो आप मैट्रिकुलेशन को सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपने एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे ग्रॉस एनुअल इनकम बताना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, बताएंगे कि आप साल में कितने पैसे कमाते हैं। अगर आप साल में 60,000 से कम पैसे कमाते हैं तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, 60,000 से 1,00,000 के बीच में कमाते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन को, या फिर जो भी आप पैसे कमाते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पे क्लिक करना है। आपको बताना है कि आपके पैसे का स्रोत कहाँ से है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेंट से आता है, सैलरी से आता है, जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन मिलता है और अदर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। कोई भी मैचिंग नहीं है तो आप अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको नीचे आना है तो आपको इनकम डिटेल और भी यहाँ पर कुछ भरने होंगे तो नेटवर्थ पे आपको क्लिक करना है और आपको बताना है कि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में आपने कितने पैसे कमाए हैं, आप यहाँ पर भर दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर नीचे आपको मोड ऑफ रिसीव ऑफ फंड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो भी पैसे कमाते हैं वो आप किस तरीके से रिसीव करते हैं। अगर आप कैश में पैसे कमाते हैं तो कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो भी पैसे आप कमाते हैं वो चेक से आपको मिलता है तो आप चेक सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अगर आपके बैंक अकाउंट में आता है तो डायरेक्ट क्रेडिट टू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी यहाँ पर अपने हिसाब से मैचिंग नहीं लग रहा है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको आईटी पेड ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स पे क्लिक करना है और आपको बताना है कि पिछले 2 सालों में आपने इनकम टैक्स यहाँ पर पेड किया है या फिर नहीं। अगर आपने पेड नहीं किया है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। लेकिन अगर वहीं आपने इनकम टैक्स पे किया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने अमाउंट का आपने इनकम टैक्स पे किया है। अगर 10,000 से कम का है तो आप लेस देन 10,000 सेलेक्ट करेंगे। अगर 1,00,000 से ज्यादा का है तो आप ग्रेटर देन 1,00,000 सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके बीच का है तो आप इनमें से जो भी अपने हिसाब से ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद से नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर क्रेडिट एक्सपेक्टेड पर ईयर। इस पे आपको क्लिक करना है और आपको बताना है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट करेंगे यानी रखेंगे वो कितने हो सकते हैं, उसका एक अनुमान आपको लगाना है। तो 1 लाख से कम के लिए आप पहले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 5 लाख, 10 लाख और यहाँ पर 10 लाख से ऊपर के लिए आप अपने हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आपको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नो सेलेक्टेड रहता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे अब क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका चौथा स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब पांचवे स्टेप में यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने खाता में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर हाँ तो आपको नॉमिनी डिटेल्स शेयर करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर आप अपने खाता में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप रिफ्यूज पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर आप नॉमिनी ऐड कर रहे हैं, यस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी से क्या रिलेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट आप यहाँ पर भर देंगे, फिर नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इज माइनर नॉमिनी, अगर नॉमिनी 18 वर्ष से कम का है तो आपको यहाँ पर यस पे सेलेक्ट करना है, वरना आपको नो पे क्लिक करना है। अगर नॉमिनी 18 वर्ष से कम का है तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर गार्जियन का यहाँ पर आपको नेम और एड्रेस इस वाले बॉक्स में भरना है, फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही नॉमिनी डिटेल्स भर के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, आपका पांचवा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। अब आपको नीचे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर इनका वीडियो केवाईसी का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर एफएससी कोड आपको डिस्प्ले पे यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज आएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, जैसे कैमरा और माइक्रोफोन का, तो आपको सभी परमिशंस को अलाउ करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ चेकिंग्स होंगे, तो जैसे ही चेकिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही इनका वीडियो कॉल एक एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्टिंग लिख रहा है, तो जैसे ही आपका एक वीडियो कॉल इनके केवाईसी एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना वीडियो केवाईसी उस वक्त कंप्लीट करना होगा। जैसे कि वहां पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाना होगा, साथ में आपका एक सेल्फी वो कैप्चर करेंगे। इसके अलावा आपको एक पेपर पे एक सिग्नेचर करके आपको वहां पर लाइव वीडियो कॉल के दौरान दिखाना पड़ेगा। इन सभी चीजों को दिखाने के बाद जो भी डिटेल्स वो पूछेंगे आप बताइएगा, उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी वो कंप्लीट कर देंगे। अब आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट होते ही ब्रांच में कभी भी जाने की जरूरत नहीं है केवाईसी करवाने के लिए, आपका फुल केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट नंबर एफएससी कोड आपको यहीं पे डिस्प्ले पे ही दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एटीएम कार्ड और चेकबुक आपके घर के एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो केवाईसी बाद में करने के लिए, तो आपको बैक वाले पेज पे आना है और यहाँ पर आपको शेड्यूल लेटर का ऑप्शन दिखता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना होगा और टाइम सेलेक्ट करना होगा, जिस डेट पे और जिस टाइम पे आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं। जब आप फ्री हैं तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना होगा, जिस भी डेट पे और जिस भी टाइम पे आप फ्री हैं और वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस वक्त आप दोबारा से इसी वाले पेज पे सेम प्रोसेस करके आइएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो कॉल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपके मेल पे और मोबाइल फोन पे मैसेज भेजा जाएगा उसी टाइमिंग पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त आपका मोबाइल नंबर पे और मेल पे आपका जो वेलकम किट है, अकाउंट नंबर वगैरह है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैसेज कर दी जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इस पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।